जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, हम कर चुके हैं होटल से चेकआउट और हमारे पास है अभी पूरा दिन उदयपुर को और एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए हमारे साथ और आज चलते हैं एक नई जगह। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू काई टाइम्स और काई के साथ उदयपुर के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। और उदयपुर की ट्रैवल लिस्ट में ये जगह जिसे सहेलियों की बाड़ी कहा जाता है बहुत मशहूर है। सहेलियों की बाड़ी स्पेशली रानियों के लिए बनाया गया था जो यहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ आती थी और भ्रमण करती थी। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, अंदर बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, बट हमारे पास वक्त बहुत कम है तो इस बार सहेलियों की बाड़ी को बाहर से ही करते हैं अलविदा और फिर कभी यहाँ पर आएंगे और चलते हैं आगे जहाँ पर हमें काई को ले जाना बहुत ज़रूरी था। you know just what you do, you do me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि ऐसे हम फतेह सागर लेक पर मॉर्निंग वॉक करने आए थे और इस वक्त दोपहर में हम आ चुके हैं फिर से फतेह सागर लेक के दूसरी तरफ। और हम पहुंच चुके हैं इंडिया के सबसे बड़े फिश एक्वेरियम में जो फतेह सागर लेक के सामने बना हुआ है। तो आइए गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में और चलते हैं एक्वेरियम में। मुझे एक्वेरियम से कॉल आया था। सो वी आर एट द अंडरवाटर सन एक्वेरियम इन उदयपुर एंड दिस इज गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग। वक्त दोपहर का है, सड़कें एकदम खाली हैं और बहुत ही पीसफुल और अमेजिंग यहाँ की वाइब है। और टिकट लेने के बाद यहाँ से कुछ स्टेप्स डाउन हम जाते हैं एक्वेरियम के अंदर और यह है टिकट विंडो। मम्मा पास एक्वेरियम्स तो बहुत देखे हैं बट ये काफ़ी अलग होने वाला है, बाहर से देख के ही लग रहा है। हम फिशेस ऐसे होते, देखो मम्मा कैसे आया, देखो ऐसे आ गए। सबका वेलकम बोल को इधर खड़े होता है। अरे वाह, एकदम छोटो भी हो गया। कम देखने के पास में है। यस गाइस, स्काई में फिशेस, ग्लासेस हटाओ तब दिखेगा आपको। फिशेस फ्लाई कर रहे हैं। ये भी सब फिशेस है फ्लाई कर रहे हैं। और वो देखो वहां पे डक्स हैं। दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इस एक्वेरियम का नाम है। दिस इज़ द लार्जेस्ट एक्वेरियम इन इंडिया एज यू कैन सी इन उदयपुर। और ये एंट्रेंस पर ये एक बड़ी सी स्टिंगरे जिसके ऊपर हमने एक शॉर्ट्स भी बनाया था और फिर यहीं से शुरू हो जाती हैं बहुत सारी फिशेस। और जैसे ही आप एक्वेरियम के अंदर आते हैं इतनी वास्ट वैरायटी ऑफ फिशेस आपको देखने को मिलता है कि आप देखते देखते थक जाएंगे, मगर फिशेस एंडलेस हैं। ये किच्ची नहीं कलता है। ये मम्मा शार्क है ना? इसका ये
पापा आ गए उसका। ये बहुत इंटेलिजेंट होता है। भाई कैसे कर रहा है माउथ बताओ? फाइट कर रहा है माय माउथ। ऑस्कर व्हाट आर यू डूइंग ऑस्कर? व्हाई आर यू फाइटिंग? हाँ वो कह रहे हैं बुशुम बुशुम। हाँ लीफ खा रहे हैं। ये देखो कैसे कर रही है, जैसे डेड हो गई है। ये सही में डेड हो गई है क्या? और यहाँ की रंग बिरंगी मछलियाँ आपका मन ज़रूर मोह लेंगी। इनकी प्यारी प्यारी हरकतें और इनके बारे में एक एक दी जाने वाली डिटेल आपको हैरान कर देगी। और फिर हमने देखी एलिगेटर फिश, जो वाकई में एक मगरमच्छ के जैसी दिखती है। और ये मछली दुनिया की सबसे बड़ी नदी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है, जिसको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया था। इसकी लंबाई 6 फीट से भी ज़्यादा पाई जाती है। When all I can is thinking about you, not doing well. इस रेस्टोरेंट के टेबल्स पर भी फिश एक्वेरियम बनाए गए थे। आजा 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 ना। एक्वेरियम के एक हिस्से में है एक रेस्टोरेंट, जहां पर आपके पैरों के नीचे मछलियां तैरती रहेंगी और आप आराम से बैठकर अपनी चाय और कॉफ़ी का आनंद उठा सकते हैं। एक्वेरियम में कुछ ऐसा होना अपने आप में ही बहुत अनोखा है और इसीलिए इस एक्वेरियम में आना आपका ज़रूर बनता है। रेस्टोरेंट्स के टेबल्स ओपन रखे गए हैं, जिससे आप उनमें हाथ डालकर मछलियों को छूकर भी महसूस कर सकते हैं। क्या है कही ये? ये क्यूट है। कितना? बहुत। एक वीडियो में पूरे एक्वेरियम को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा। और फिर वक्त था हमारा बोटिंग करने का। देख सकते हैं फतेह सागर लेक कितनी खूबसूरत लग रही है, मन कर रहा है इस पानी में नहा लिया जाए। आइए चलते हैं बोटिंग करने और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बने रहिएगा काई टाइम।